मेरा नाम है अरसलान और आप देखिए नेक्स्ट पे यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं हमजा के सेटअप पे मौजूद हूँ और मार्शल आर्ट से हमजा ने जो है काफ़ी कम ट्रेनिंग से अपना सेटअप स्टार्ट किया और अपनी सेटअप पे वर्किंग की। उसके बाद मार्शल आर्ट इतना बड़ा इन्होंने सेटअप बना लिया। तो चलिए देखते हैं कि बस क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसी भीड़ इनके पास आ रही है और इन्होंने जो है इतनी स्ट्रगल की। उसके बाद मार्शल आर्ट इनके पास रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो चलिए देखते हैं हमजा का क्या रिस्पॉन्स है और इस फील्ड को किस तरीके से देखते हैं। तो चलिए हमजा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आप अभी अपनी स्टोरी मुझे सुना रहे थे कि काफ़ी कम बर्ड से मैंने स्टार्ट किया और इस वक्त माशाल्लाह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा पेड़ इनके पास लगे हुए हैं। और सबसे पहले बताएं कौन से बर्ड से आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट मैंने किया था ब्लू पसनाटा वगैरह लिए थे, यही वाले ना ब्लू वाले जो नॉर्मल ब्लू पसनाटा, ब्लू पसनाटा तो वो मैंने लिए थे कोई 15 पेड़ ना, उनको मैंने बाहर कॉलोनी में रखा हुआ था एक ना। तो उसके बाद फिर जैसे वो एडल्ट हुए फिर उनके लिए केज लेके आया एक नीचे रूम में, मेरा रूम के अंदर मैंने उनको ब्रीडिंग पे लगाया। जब ब्रीड आने स्टार्ट हुई तो शौक बढ़ा, उसके बाद फिर और म्यूटेशन भी थोड़ी बहुत ऐड करी, उन म्यूटेशन को आपस में आउट क्रॉस करा के उनके बच्चे होल्ड करके अब ये मेरा तीसरा साल है और तीसरे साल में माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। नॉर्मल आपने नॉर्मल ब्लू पसनाटा से स्टार्ट किया, उसके बाद म्यूटेशन के आप बता रहे थे, अभी मैंने सिर्फ एक दो बर्ड्स लिए। हाँ, उसके बाद माशाल्लाह से जाके कुछ बर्ड्स इन्होंने यहाँ से देख सकते हैं पारबू और अल्बाइनोस वगैरह लिए थे, उसके बाद सारी ब्रीड वगैरह आपने अपने पास होल्ड की? जी जी बिल्कुल, कुछ बर्ड आपसे भी लिए थे, कुछ बाकी ब्रीडरों से भी लिए थे। तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो अभी माशाल्लाह से कितने पेड़ आपके पास लगे हुए? मेरे पास पेड़ तकरीबन म्यूटेशन के तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं लगाऊँ तो कोई 30-35 पेड़ लगे हुए। 30-35 के करीब पेड़ माशाल्लाह से लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास अभी इस सीज़न में ब्रीड आ रही है, बता रहे हैं कुछ बर्ड माशाल्लाह से मैंने इस सीज़न में सेल भी किए, तो इस फील्ड को आप कैसा देखते हैं? फील्ड माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये, बस इसमें ये है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको। अगर आप टाइम देते हैं इस फील्ड को तो फिर आप इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे इसमें। ठीक है, तो अगर चलिए हमारा कोई न्यू व्यूवर्स वगैरह होते हैं जो न्यू फैंसियर्स हैं, उनको कुछ बर्ड्स वगैरह चाहिए हो, तो आपके पास अभी कौन से बर्ड्स मौजूद हैं और कैसी ब्रीड आपके पास आ रही है इस वक्त? बर्ड्स तो काफ़ी अवेलेबल हैं मेरे पास, बॉक्सों में भी हैं, बाकी जो बाहर सेल्फ हो गए वो तो तकरीबन जो है बुकिंग पे मेरे थे, वो मैं जिनके हैं वो उनको दे दूँगा। बाकी नेक्स्ट सेलेक्ट जो ये आ रहे हैं जो बॉक्सों में बच्चे मौजूद हैं वो होंगे सेल के लिए। ठीक है जी, तो चलें इनके सेटअप का मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, बाकी जो जो इन्होंने पेयरिंग लगाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अंदर भाई, सबसे पहले लोकेशन और अपना नंबर आप बताएं। मेरी लोकेशन है लियाकताबाद 3 नंबर की और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03121104142। तो चलें मैं आपको सबसे पहले इनके सेटअप का ओवरव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे केजेस लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ केजेस हैं, यहाँ पर भी केजेस इन्होंने लगाए हुए हैं, एक माशाल्लाह अच्छा सा रूम इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे सारे बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा जी, कॉलोनी ये भी मुझे बता रहे थे मैंने खुद बनाई है, तो ये कॉलोनी कैसे बनाई आपने? ये कॉलोनी असल में मेरा जो प्रोफेशनली जो मेरा काम है वो है, मैं कारों की ना फोर व्हीलर की डेंट पेंट का मेरा काम है, मैं शॉप है मैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा बस यही काम होता है कुछ बनाने कुछ करने, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है इस बात पे। मैंने कॉलोनी के रेट लिए थे बनवाने के ना, तो मुझे रेट मिले थे 35,000 रुपये तकरीबन। ठीक है, तो मैंने बोला यार इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है मैं खुद ही बना लूँ इसको, तो खुद ही बनाया आपने? खुद बनाई तो माशाल्लाह मुझे सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए की पड़ी है। अच्छा माशाल्लाह, पूरी कॉलोनी आपने 15,000 रुपए की बनाई? लकड़ियाँ वकड़ियाँ जाली वाली कलर, मतलब आपने 20-25,000 रुपए बचा लिए अपने। ठीक है जी, कॉलोनी माशाल्लाह से बनाई, तो इसमें चिक्स वगैरह कब रखेंगे आप? चिक्स अभी जो अपने पास में होल्ड करूंगा वो तकरीबन अगर 4 मंथ के होने के बाद उसके बाद इसमें कॉलोनी में शिफ्ट करूंगा। ठीक है जी माशाल्लाह, देख कॉलोनी है। सबसे पहले आप हमें कौन से पेड़ दिखा रहे हैं? इधर आ जाएं, ये पार्बुलो स्प्लिटिनो का पेयर है। अच्छा जी, सबसे पहला पेड़ ये है पार्बुलो स्प्लिटिनो इनटू अल्बाइनो रेड, इन्होंने लगाया हुआ है और अल्बाइनो जो है इसमें फिशरी है, अल्बाइनो फिशरी माशाल्लाह से लगा हुआ है और बच्चे भी माशाल्लाह इधर आए हुए हैं, ये देख सकते हैं अल्बाइनो रेड। अच्छा कितने बच्चे निकले इसमें से? इसमें से 4 चिक्स हैं, 2 अल्बाइनो रेड हैं, 2 एक वॉलेट पार्बुलो है और एक वॉलेट फिशरी है। अच्छा माशाल्लाह, चार बच्चे इसने निकाले, 2 अल्बाइनो रेड ही निकाले हैं और एक वॉलेट फिश निकाले और एक पार्बुलो स्प्लिटिनो निकाले माशाल्लाह से। और अभी फीमेल एग्स पर है? जी फीमेल एग लिंग कर रही है। अच्छा माशाल्लाह, अभी फीमेल एग्स पर है। अच्छा जी, इसके अलावा नीचे यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आपने ब्लू पसनाटा और लॉटिनो रेड ही लगाया हुआ है? लॉटिनो रेड है, स्प्लिट ब्लू है और ये ब्लू पसनाटा है, स्प्लिट ब्लू है। अच्छा, तो क्या रिजल्ट है इस पेयर का? इस पेयर ने मेरे पास ये फर्स्ट ब्रीड करी है। अच्छा, फर्स्ट ब्रीड की है, तो क्या बच्चे निकले इसके?
एक ग्रीन फिशर निकले और एक ये ब्लू पसनाडा और एक लोटिनो रेड है। अच्छा लोटिनो रेड है, मतलब तीन बच्चे इसके निकले। फर्स्ट ब्रीड करी इसने, ये ब्लू भी स्प्लिटिनो हो गया, ये फिशर भी स्प्लिटिनो हो गया और स्प्लिट ब्लू। अच्छा जी माशाल्लाह से यहाँ पे अच्छा एक ही पीस रखा हुआ है। फीमेल है, इसने लेन करी थी तो अब इसको थोड़ा सा जो है मोदरमा को फ्लाई दीजिए। अच्छा रेस्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट दिया हुआ है, उसके बाद दोबारा इनसे एक लेंगे। तो यहाँ भी वही पेयरिंग आपने लगाई थी, ये लोटिनो फिशरी है रेड है इसमें और ब्लू फिशरी है, ये भी स्प्लिटिनो है। अच्छा स्प्लिटिनो है, ठीक है। इनकी भी जो है एक लेंग आ गई है, ये भी मेरी फिशरी वर्किंग अल्बाइनो का पेयर है। अच्छा माशाल्लाह से अभी इसने चार अंडे दे दिए हैं, बाकी ये भी लोड है माला। ठीक है जी। अच्छा जी इस साइड पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लगाया हुआ अपने, पार्क ब्लू लगाए हुए। इस ये मेरी पार्क ब्लू टू की वर्किंग है, ये लोटिनो जो है ये स्प्लिट पार्क ब्लू है और इसको मैंने पार्क ब्लू के साथ पेयर अप किया है, इसके साथ जो भी। अच्छा जो लोटिनो आपके पास है वो पार्क ब्लू से निकली है। जी जी ये स्प्लिट पार्क ब्लू कन्फर्म है, स्प्लिट ब्लू टू है ये। अच्छा स्प्लिट मतलब ब्लू टू कन्फर्म है ये। जी जी ब्लू टू कन्फर्म है ये। अरे पार्क ब्लू जो है वो सिंपल पार्क ब्लू है, अब इसके जो सिक्स आएंगे मेरे पास इसमें से जो भी ब्लू बच्चा आएगा वो 100% ब्लू टू होगा, ठीक है। बजट है स्प्लिट के। अभी क्या अंडे दिए इसने माशाल्लाह से, माशाल्लाह से इसके एग्स आए हैं। अच्छा जी इनका लोटिनो जो है वो ब्लू टू है और इसके साथ इन्होंने पार ब्लू लगा दिया, अब इसमें तो जो भी ब्लू फिशरी आएगी तो वो कंफर्म ब्लू टू होगी, उसमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये दोनों पॉसिबल स्प्लिटिनो भी हैं, तो अगर कोई अल्बाइनो ब्लैक आइज या अल्बाइनो रेड आइज आता है वो भी ब्लू टू होगा। अच्छा जी माशाल्लाह से ब्लू टू की वर्किंग भी आप कर रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे क्या पेयरिंग आपने करी हुई है, ये लोटिनो फिशरी सिंपल रेड आइज की फीमेल है, इसका मेल मैंने दूसरी फीमेल के साथ लगाया हुआ है। अच्छा वैसे यहाँ पे हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, अभी तीन से चार बच्चे निकल चुके हैं, अभी दो अंडे भी मौजूद हैं जी। ये फीमेल माशाल्लाह से अकेली चिक्स पाल रही है। अच्छा देखो दादा लोटिनो रेड है या कि आपने ज़्यादा पेयरिंग की है। ये लोटिनो रेड है जी, मेरे समझ लो होम ब्रीड है, मैंने लास्ट ईयर जितने भी बर्ड निकले थे मेरे पास वो सब मैंने होल्ड करे थे, बेचा कुछ भी नहीं था। अच्छा इस सीजन आप दबा के बेचेंगे। अच्छा यहाँ पे पार ब्लू लगाए हुए जी, ये पार ब्लू है इसलिए टीम है, इसका भी मेल मैंने दूसरी फीमेल को दिया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ और ये बच्चे पाल रही है। क्या चिक्स निकले हुए, दो ब्लू स्प्लिटिनो है इसमें, एक पार ब्लू पॉसिबल स्प्लिटिनो है और एक जो है ग्रीन फिशर स्प्लिटिनो है। अच्छा पार ब्लू क्या मास्किंग चेक करें, ये स्प्लिटिनो है माशाल्लाह, ये पॉसिबल स्प्लिटिनो है, पॉसिबल स्प्लिटिनो है माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा बच्चा निकला प्योर फिशर मार्किंग के अंदर। अब इसका साइज देखें, कलर देखें माशाल्लाह से मैंगो हेड के अंदर है, ये भी सब सेल्फ के कई बच्चे फीमेल ने अकेले सारे बच्चे सेल्फ किए, बिल्कुल अकेले पाले हैं सारे बच्चे फीमेल। अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा जी यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कुछ मैंगोस जो कि गुम हुए हुए, कुछ क्रिमिनोस हैं इनके पास, कुछ डेकिनो वगैरह इनके होम ब्रीड निकली हुई है, ये सबके सब सेल हुए हुए। जी जी ये सबके सब सेल हुए। अच्छा जी माशाल्लाह से डेकिनो भी हैं, तो अभी और बच्चे वगैरह आ रहे हैं भी है आपके पास, पॉसिबल स्प्लिटिनो है ये, उसी का समझ लो भाई या बहन है, ये भी पॉसिबल पे जाएगा क्योंकि इसके माँ और बाप दोनों स्प्लिटिनो पे। तो अभी अगर दोस्तों को डेकिनो क्रिमिनो वगैरह चाहिए तो अभी और आ रहे हैं आपके पास। जी जी इंशाल्लाह आएंगे वो फिर आपको मिल जाएंगे। चलिए जी यार ये तो जो है सिक्स है बुक हुए सारे के सारे, ये वाले ठीक है जी। अच्छा जब इस साइड पर हम आते हैं यहाँ पर सारे चिक्स निकले हुए। जी ये चिक्स है इसके साथ ही है, इन्होंने इसको पोस्टर किया था और इनका भी बॉक्स उतारा हुआ है, ये तकरीबन सेल्फ में है, जब ये सेल्फ हो जाएंगे तो फिर बॉक्स लगाया जाएगा। इसके अंदर एक लोटी वो ग्रीन ऑफलाइन है, सही पर्सनाटा वर्किंग का है वो, ये पर्सनाटा वर्किंग में चले गया क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने आपसे ही लिया था बट ना ब्लू स्प्लिटिनो तो वो थोड़ी सी मास्किंग में था, आपको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, वो मेल निकला और जब उसकी मैंने ब्रीड कराई तो माशाल्लाह उसके अंदर से ऑफलाइन मेरे पास लोटिनो। अच्छा जी इन्होंने मेरे से जो शादी ब्लू फिश स्प्लिटिनो ली थी अल्बाइनो वर्किंग के लिए, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि वो स्प्लिट ऑफलाइन है, इन्होंने लिया इन्होंने ऐसी शादी अल्बाइनो के साथ लगाया। अल्बाइनो के साथ लगाया उसमें से इनके पास लोटिनो ऑफलाइन वगैरह भी आए और ग्रीन ऑफलाइन भी आए, लेकिन फिशरी में थोड़ी मार्किंग थी तो इस वजह से बच्चे में जो मार्किंग आ गई। ये जो बच्चे आ रहे हैं मैं अपने पास होल्ड करूंगा, नहीं तो और इम्प्रूवमेंट ले आऊंगा, या तो इनको पसनाटा में ले जाऊंगा बिल्कुल ठीक है वाइट कोलर उसमें कोलर क्लियर में, या तो फिर फिशरी में। अच्छा जी यहाँ पे ब्लू पसनाटा का पेयर आपने लगाया हुआ है। हाँ ये तकरीबन जो है आप ये समझते हैं मेरे ब्लू पसनाटा पोस्टर पेयर में ज़्यादातर शुमार हो गए, इनसे ब्रीड इन फिशरी तभी ली जाती है जब इनके
अंडे ऑफर कर सकते किसी पेयर के। अगर इनके अंडे फर्टाइल हो जाते हैं तो फिर मैं इनके नीचे छोड़ देता हूँ, वरना फिर इसमें ऐसे ऐसे बच्चे भी निकले हुए। मैं एवरेज इसके अपने बच्चे ही हैं। हाँ हाँ ये इसके अपने बच्चे हैं। एवरेज असल में मैं जो माँ बाप से पलवाता हूँ ना, वो चार बच्चे ही पलवाता हूँ। चार बच्चे पलवा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कभी वो होता है कि अगर ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं तो कोई जगह नहीं मिलती ना, तो फिर पाँच जैसे पलवाने पड़ते हैं। लेकिन अमूमन जो है ना, मैं चार बच्चे पलवाता हूँ और वो बेहतरीन पलते हैं और माँ बाप को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती उससे पालने में। ये है कि बच्चे बच्चे साइज में बिल्कुल ओके निकलते हैं। अच्छा जी, ये भी ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ भी ब्लू पसनाटा का पेड़ आपने लगाया है। ब्लू पसनाटा का पेड़ है। इसके नीचे जो बच्चे हैं, एक फार ब्लू का बच्चा है इसके नीचे, और बाकी ये जो ग्रीन वाला बच्चा है ये वही ग्रीन ऑफलाइन की बच्चिंग का है जो मैंने अभी आपको पेड़ दिखाया, और दो ब्लू जो बच्चे अलग से दिख रहे हैं वो इनके बच्चे हैं। अच्छा माशा, यहाँ पे पॉस्टर हो गए, चिक्स वगैरह सारे नॉर्मल ब्लू पसनाटा के पेड़ है। अच्छा जी, पूरा सेटअप आप जो संभाल रहे हैं, अपनी शॉप पे आप कब जाते हैं? मैं शॉप पे जाता हूँ तकरीबन 12:30 बजे और मगरिब के बाद वहाँ से आ जाता हूँ। तो बर्ड्स को कब टाइम देते हैं आप? बर्ड्स को मैं सुबह जब उठता हूँ, सुबह 9 बजे तक उठता हूँ मैं, उसके बाद इनको पहले सबसे पहले जो मेरा काम होता है सुबह उठ के नाश्ता करने से पहले ऊपर आता हूँ। अच्छा, पहले खुद नाश्ता नहीं करते, बर्ड्स को नाश्ता करवाते हैं? नाश्ता करवाते हैं भाई, शौक या शौक का कोई मोल नहीं है। तो ये ऐसा सीन है कि उठता हूँ, ऊपर आता हूँ, यहाँ की रूम की लाइट वगैरह खोलता हूँ, इधर आके इनका पानी चेंज करके पहले नीचे जाता हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर इनका सॉफ्ट फूड बनाता हूँ। सॉफ्ट फूड में वो जो दाल दाना मिक्सचर जो बनता है, गाजर चुकंदर वगैरह ये सब डालता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आता हूँ, इनको सॉफ्ट फूड सर्व करता हूँ सबको। सॉफ्ट फूड डालने के बाद हर एक एक बॉक्स को चेक करने के बाद, डेली चेक करते हैं, डेली रूटीन में, ये इसमें कोई नागर नहीं होता, क्योंकि बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो अंडे जब इंक्यूबेट कर रहे होते हैं तो वो उस पर क्रैक मार देते हैं, उनके नाखून वगैरह से क्रैक आ जाता है। तो उसके ऊपर जो है हमारे पास एक रिसेंटली हमारे को भी पता लगा, इससे पहले हमने बहुत अंडे ज़ाया करें, ये नील पॉलिश लगा देते, क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आते हैं उधर नील पॉलिश लगाते हैं, तो अंडे के ज़्यादातर चांस ये हो जाते हैं कि बच्चे हैं जो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एज भी हुए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसके बावजूद भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अंडे बच जाते हैं आपके। तो बस वो बॉक्स वगैरह चेक करके फिर मैं शॉप चले जाता हूँ, शॉप जाके फिर जब शाम में आता हूँ तो शाम में ऊपर आके दोबारा चक्कर लगा लेता हूँ। मतलब कह लेंगे दिन में आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं? 2-2.5 घंटे मैक्सिमम। ठीक है जी, यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। ये शॉप भी है और साथ साथ अर्निंग भी हो रही है। बिल्कुल, यहाँ भी ब्लू पसनाटा आपने लगाया हुआ है। ब्लू पसनाटा है, इसके भी अंडे मैंने दूसरी जगह डाल दिए थे, इधर भी वो ग्रीन ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो इसलिए ऑफलाइन का मिलता। अच्छा, उसके सारे अंडे मैंने पॉस्टर किए हैं आपने। हाँ हाँ, ब्लू पसनाटा है, 5 या 6 बच्चे पल रहे हैं अभी, इसके कुछ अपने भी हैं कुछ वो वाले भी हैं। तकरीबन मार्केट सारे पेड़ करीब पे लगे हुए, यहाँ भी सेल्स के करीब में बच्चे, ये तकरीबन सेल्स हो गए हैं, ये माली ने अंडे वगैरह भी ले करती हैं, अब इनको बस 1-2 दिन में जो है मैं अलग करूँगा। अच्छा, 1-2 दिन में आप अलग कर? हाँ, ये ब्लू स्प्लिटिनो है, ग्रीन स्प्लिटिनो है। अच्छा, पेड़ ने मार्केट से वापस एग दे दिए। अच्छा जी, यहाँ भी सारे ब्लू पसनाटा लगे हुए? हाँ, नहीं ये एक मेरा जो है ये मादी जो है मैंने आपसे ली हुई थी ब्लू की, ये ब्लू जो है इसलिए तीनों है, इसी के साथ मैंने वो ब्लू के जो एक और ली थी वो मेल निकला था, तो वो इसलिए ऑफलाइन निकला है, वो इसी का भाई था। अच्छा, माच रहे थे इसके नीचे मैंने अपने अंडे पोस्टर करे हुए, इसके अंडे मैंने दूसरी जगह घुमाए हुए, क्योंकि ये पेयर बच्चे बहुत अच्छे पालता है। ठीक है, यहाँ से मुझे अल्बाइनो और अल्बाइनो ब्लैक आए, जोटिनो ब्लैक आए, जोटिनो रेड आए, ये सब। अच्छा, यहाँ से अल्बाइनो वगैरह आपके पास आ रही है? और जो अल्बाइनो आते हैं वो बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग ब्लड के आते हैं, क्योंकि दोनों जो है और दोनों स्प्लिटिनो है। अच्छा माशाल्लाह, तो यहाँ भी अंडे आए थे? हाँ, यहाँ पे वो फर्स्ट पेयर के जो मैंने आपको फर्स्ट पेयर दिखाया था, फार ब्लू स्प्लिटिनो और अल्बाइनो, यहाँ पे उसके अंडे पोस्टर हुए हैं। माशाल्लाह, जितने भी पेयर थे सबके सब अंडे पोस्टर आपने किए हुए हैं? जी जी, तकरीबन पोस्टर किए हुए हैं, अब रिजल्ट आने की देर है बस। यहाँ सारे ब्लू पसनाटा लगाए हुए हैं माशाल्लाह से, यहाँ भी जो है हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये इसके अपने बच्चे हैं। सही यार, लोग कहते हैं लव बर्ड्स लगाओ, अच्छे बच्चे पालते हैं, तो आपने ब्लू पसनाटा लगाए हुए, ये भी अच्छे बच्चे पाल रहे हैं। मेरे पास जो ब्लू पसनाटा का रिजल्ट है ना, मैं कहता हूँ मेरे को कोई और बर्ड चाहिए ही नहीं फॉस्टरिंग के लिए, माशाल्लाह मेरे पास इतना अच्छी है फीडिंग कराते हैं आप, बच्चों के क्रॉप देखिएगा, ऐसे फूले फूले बिल्कुल फुल फिट करा के रखते हैं बच्चों को, और बहुत अच्छा पालते हैं, तो मेरे को कोई और
परिंदा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने शौक में अपने लिए ये लिए थे, बाद में मेरा फॉस्टर पेयर भी ये बन गया, अब इन्हीं से जो है इनके बच्चे रोकते हैं मैं अपने फॉस्टर पेयर भी बढ़ा लूँगा। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पे जो है सारे ब्लू कसनाटे इन्होंने लगाए हुए और सबके सब माशाल्लाह से फॉस्टर पेयर से अपने बच्चे भी निकल रहे हैं इनके, और इनके जो है फॉस्टर भी हो रहे हैं। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच बच्चे इसके निकले हुए हैं, चार बच्चे जिसमें से ब्लू कसनाटे हैं और एक बच्चा वॉलेट कलर में आ रहा है। ये अपने ये अंडे जब फर्टाइल हो जाते हैं तो फिर मैं फॉस्टर लाजमी सी बात है, फिर उनको ज़ाया नहीं कर सकते। और मेरे ज़्यादातर ये ब्लू कसनाटा जितने भी पेयर हैं ये सात अंडे छः अंडे आठ अंडे मैक्सिमम यही सब रेशो चला रहा है। छः सात सात अंडे ऐसा सीन होता है कि मैं अगर जो है ना इनके अपने बच्चे भी इनसे पलवाना चाहूँ तो मुझे इनके अपने बच्चे भी दो चार दूसरे पेयर के नीचे इधर उधर रखना पड़ती है, वरना फिर जो है डायरेक्ट छोटा बच्चा एक्सपायर हो जाता है सबके। यहाँ पर कौन सा पेड़ है अच्छा फीचर के साथ आपने लगाया था? हाँ ये फीचर भी इसलिए ब्लू है, ये भी समझ लिया मेरा पोस्टर पेड़ ही है, इसने भी पैलेट लग लिया माशाल्लाह। दूसरी लाइन आपको दिखाते हैं, यहाँ भी माशाल्लाह इन्होंने बॉक्सेस बाहर से लगाए हुए हैं और यहाँ भी तकरीबन सारे बॉक्सेस में भीड़ आई हुई है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे बॉक्सों में भीड़ आई हुई है, कुछ में जो है बच्चे सेल्फ होके अलग हुए हैं तो उसमें भी अब एग्स वगैरह आने लगे वगैरह शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम। तो चलिए जो इनकी बस प्रोग्रेस वगैरह आई हुई बर्ड की वो आपको दिखाते हैं वन बाई वन, जो जो इन्होंने पेड्स लगाए हुए जी देखें। अगर किसी दोस्त को बुकिंग वगैरह करवानी हो ब्लू कसनाटा वगैरह की हो या अल्बाइनो पार्लो वगैरह की हो तो आप करवा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल ब्लू कसनाटा और लॉटिनो ब्लैक आई निकले हुए माशाल्लाह से। यहाँ भी जो है वॉलेट से सी निकली हुई है और लॉटिनो पटनाटा ब्लैक ही निकले हुए। मेरा पेयर थोड़ा सा ब्लैकिंग कर रहा है क्योंकि इसका मेल जो है थोड़ा सा वो वीक हो रहा था तो मैंने अलग कर दिया, ये फीमेल अकेली हो गई तो इस वजह से शायद जो इसने ब्लैकिंग शुरू कर दी है। लेकिन कोई मसला नहीं है, ये तो एक बच्चे मेरे घर से बाहर आए थे भाई, ये भी बाहर आ गया। तो एक बच्चा ये है, बाकी तकरीबन तीन चार एक बच्चे इसके अंदर मैंने पोस्टर चार के करीब बच्चे बाहर और आए हुए। ये स्लेटी फिश है, अच्छा स्लेटी फिश की माशाल्लाह से निकली हुई आपके पास। तो ये किस पेयरिंग से आपके पास आई? ये मेरे पास वो जो पार्ब्लू की ब्लू टू की जो मैंने वर्किंग लगाई है ना, मेरे पास एक स्लेटी फिशरी है ब्रीडर ना, जिससे मेरे पास ये सारी स्लेटी जो है अभी आगे और भी दिखाऊंगा मैं आपको वो निकली है, तो उसके साथ मैंने अभी वो वाली हटा दी है वो ब्लू टू की वर्किंग के लिए। ये लगाई ये मेरा अपना रिंग है, टमाटर से रिंग अपने डाले में ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे मार देते हैं आपको और प्रोग्रेस दिखाते हैं जी बर्ड्स की, क्या प्रोग्रेस वगैरह आ रही है। बाकी सॉफ्ट फूड वगैरह में दाने वगैरह में जो सुबह सुबह सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं अपने बर्ड्स को और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जो है, इसके भी चार से पांच बच्चे निकले हुए। यहाँ पे दो बच्चे अल्बाइनों के हैं, पोस्टर किए हुए मैंने, ये देखें एक येरा। उस पेयर के जो मैंने आपको लोटिनो वाला पेयर दिखाया था उसके यहाँ पे मैंने पोस्टर करे हैं, ये माशाल्लाह अंडे दिए हुए, हैचिंग होने वाली है मेरे ख्याल। हाँ इनकी हैचिंग होने वाली है अंदर ही। ये मेरा लोटिनो रेडाइस जिसके आपको बच्चे दिखाई है उसका मेन पेयर है, ये दोनों जो है स्प्लिटिनो है तो ये मेरे पास लोटिनो रेडाइस निकाल रहे हैं। दोनों ब्लैक आई है? हाँ दोनों ब्लैक आई हैं, जो लोटिनो रेडाइस इन्होंने लास्ट ईयर निकाले थे वो सब मैंने होल्ड कर लिए थे। ठीक है यहाँ भी माशाल्लाह से एक और लगा हुआ है और यहाँ भी माशाल्लाह से एग्स आए हुए हैं, तो कुछ फार्मूला वगैरह यूज़ करवा रहे हैं कुछ ब्रीडिंग चीज़ें वगैरह कुछ ऐसी? नहीं फार्मूला तो खैर कुछ भी यूज़ नहीं करवा रहे हैं इनको, इनको बस ये है कि वो जो म्यालिक का कैल्शियम और डीपी आता है हफ्ते में एक दफ़ा वो दे देता हूँ, सही, और जो ग्रोथ कोड आता है मल्टीविटामिन में वो हफ्ते में एक दफ़ा दे देता हूँ पानी में मिला के, बाकी उसके अलावा जो है वो आम रूटीन का फॉक्स वगैरह बस, और हफ्ते में एक दफ़ा प्रोटेक्शन भी दे देता हूँ मैं प्रोबायोटिक ना, पहले मेरे पास मोर्टेलिटी रेशो आता था तो जब वीडियोस वगैरह देखी तो पता लगा कि ये भी ज़रूरी है, तो फिर जब से वो देना शुरू करें तो माशाल्लाह बच्चों की मोर्टेलिटी एक्सपायर नहीं हुई, एक्सपायर इतनी नहीं थी। ये भी मेरा पोस्टर भी आया जिसने भी एक लेनी शुरू कर दी है, पोस्टर भी
पोस्टर ही करेंगे कोई मसला है। फर्टाइल होने से पहले इधर जी जी घुमा देंगे आप। ये पेड़ है, इसके बच्चे मैंने अभी सेल्फ करे, अभी देखते हैं इसने क्या करा। नेस्टिंग बना रहे पेड़। अच्छा, अभी नेस्टिंग की भी। अच्छा, केज साइज आपने क्या दिया अपने बर्ड्स को? ये सारे मुख्तलिफ हैं, ये वाला तो 3.25 का है, वो वाला 2.25 का है, ये 1.5 3 का। जितने म्यूटेशन वाले जो बर्ड्स मेरे ब्रीड कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो है 1.5 3 में करता है। अच्छा, 1.5 3 के अंदर ब्रीड आप ज़्यादातर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से पेड़ थे आपने लगाए हुए? यहाँ पे ये आते हैं माशा, सब में ब्रीड आई थी आपके पास? जी जी अर्जुन गुरु। ये मेरे पास ये ब्लू स्प्लिटिनो है और अल्बाइनो है। इसके नीचे 3 बच्चे हैं, 2 रेड आई 1 ब्लैक आई। इसके 2 बच्चे मैंने आगे पोस्टर करे हुए जो अभी दिखाए थे, ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा, ये पेयर है, ये केज जो है मेरा 2.25 का है। अच्छा, यहाँ पे स्लेटी फिशरी लगाई थी आपने? हाँ, ये दोनों जो है स्लेटी फिशरी हैं, एक पार्ट ब्लू में और एक ब्लू में, ठीक है। इसने भी माशाल्लाह फर्स्ट एग दे दिया, जो पहला अंडा माशाल्लाह उसका आ चुका है। ये दोनों स्लेटी है, पार्ट ब्लू के अंदर भी है और पार्ट ब्लू में भी है और ब्लू स्लेटी के अंदर भी है। अच्छा, यहाँ पर भी बच्चे निकले हुए, तकरीबन 3 बच्चे हैं। एक मैंने इसमें पोस्टर करा हुआ है, वो जो वोलेट वाला है वो स्प्लेटिनो है, बाकी ये 2 फिशरी हैं, नॉर्मल सादी फिशरी हैं। ये पैर है इसका। अच्छा, पार ब्लू और वोलेट इसके आपने लगाई हुई है? अच्छा, यहाँ भी पार ब्लू के साथ आपने लॉटिनो। ये मेरा ब्लूटूथ की वर्किंग का पेयर है, ये जो लॉटिनो है ब्लैक आई स्प्लेटिनो भी है और स्प्लिट पार ब्लू कन्फर्म है, और ये जो पार ब्लू की है ना ये स्प्लिटिनो पॉसिबल है। तो यहाँ से मेरे पास ब्लू सीरीज में जो भी बच्चे आएंगे वो कन्फर्म ब्लू के होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम आते हैं, एक के ये रह गए यहाँ पर। यहाँ पे कौन से बर्ड्स आपने लगाए हुए? ये मैंने अभी पेड़ नया बनाया है। अच्छा, नया पेड़ आपने लगाया है अल्बाइनो के साथ, लॉटिनो रेड आई। लॉटिनो रेड आई से ये स्प्लिट पार ब्लू है, ये यानी आपके घर की ब्रीड है? ये मेरे घर की ब्रीड है, ये ब्लू टू कन्फर्म है स्प्लिट। आपने टेस्ट ब्रीड वगैरह करवाई थी? हाँ हाँ, इनकी टेस्ट ब्रीड मैंने करवाई हुई है। अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे आएंगे, या तो लॉटिनो रेड आइस आएगा या क्रिमिनो रेड आइस आएगा, क्योंकि दोनों बर्ड्स हमारे विजुअल रेड आइस हैं और वो जो है स्प्लिट ब्लू टू है। तो हमारे पास ब्लू सीरीज में जितने भी बच्चे आने हैं वो सारे क्रिमिनो आने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना। सही। अच्छा जी, एक पेयर ये और है। अच्छा जी, फिशरी, दोनों फिशरी लगाई थी आपने? इस फीमेल का आप साइज चेक करें, ये मेरी होम ब्रीड फीमेल है। अच्छा जी माशा, ये किस वर्किंग का पेड़ आपने लगाया है? ये स्लेटी फिशरी स्प्लिटिनो है और ये बोले फिशरी स्प्लिटिनो, दोनों में इसमें है। क्या रिजल्ट आया अभी इसका? रिजल्ट अभी एक लेग दी दिए इसने, इंशाल्लाह इसमें से भी अल्बाइनो फिशरी के पूरे पूरे चांस हैं। सही, अभी माशाल्लाह इधर एग साइड है। अच्छा जी, यहाँ पे पार ब्लू एक ही। अच्छा, यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ बना है इसकी, ठीक है जी। यहाँ पे ये वो मेल है जो मैंने आपसे लिया था, परचेज किया था ब्लू वाला, तो ये इसलिए टॉप लाइन भी नहीं था, ये इसलिए टॉप लाइन है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है पार ब्लू के साथ आपने फिशरी लगाई हुई थी, ये स्लेटी फिशरी लगी हुई है पार ब्लू के साथ, ये मैंने नया पेयर इनके बॉक्स हटाए में भी आपने? हाँ, ये समझ लें ये वाला नया पेयर है, इसको अभी तकरीबन इन्होंने पेयर बॉन्ड कर लिया है, जैसे जो है अच्छा बॉन्डिंग हो जाती है इन दोनों में फिर इनको बॉक्स लगा दिया जाएगा। पहले इसने इसके साथ मैंने ये वाली मादी यूज़ करी थी, अब इसको दूसरी मादी दी है, ठीक है। लगा मादी दिखा दें पहले। अच्छा, ग्रीन फिशर की मादी? हाँ, ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू है, जो मैंने पेयर बनाए थे ना स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू वाले, जो मैंने स्प्लिट्स निकाले थे, तो ये स्प्लिट ब्लू है उसके अंदर से। ये अकेली माती जो है 3 बच्चों को पाल रही है, 3 बच्चे पाल रही है, 2 ग्रीन है और 1 ब्लू है। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेड़ आपने लगाया है? यहाँ पे भी जो ये लोटिनो का पीस दिख रहा है, ठीक है, ये पीस स्प्लिट पार ब्लू कन्फर्म है
इसके साथ मैंने लगाई हुई है ब्लू फिश, चिक्स भी आए नहीं। हाँ, ये इसने एक लिंक दी हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके चिक्स आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्या लगाया हुआ आपने और? इसके अलावा बस यही लगा हुआ है, सब तो आपको दिखा दिया, बाकी ये इधर आ रहे हैं कॉलोनी में। अच्छा, कॉलोनी में भी चिक्स रखे हुए? चिक्स हैं, बड़े पीस हैं ये? चिक्स नहीं है, ये बड़े पीस हैं, ये सारी की सारी है मादी हैं, सारी सब फीमेल्स हैं, सारी की सारी फीमेल्स हैं। तो इसके अंदर जो है तीन फीमेल्स हैं, स्प्लिट तीनों की ना, कंफर्म फीमेल हैं और तैयार बिल्कुल ना, अगर किसी को चाहिए हो तो अवेलेबल है। फर्स्ट ब्रीड करेंगी? हाँ हाँ, ये फर्स्ट ब्रीड करेंगी। मेरे पास मेल की थोड़ी सी कमी हो गई थी, जो अल्बाइनो के मैंने चिक्स रोके थे ना, अल्बाइनो में आपको पता है मेलिटी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो सेल्फ होने के बाद भी ना थोड़ा सा मेरे पास मसले आए थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बच गया था। तो उस टाइम तो मैंने सेल नहीं किया, मैंने बोला देखेंगे कहीं ना कहीं काम कर लेंगे, लेकिन अभी जो ये एक्स्ट्रा पड़ी है, अगर किसी भाई को चाहिए हो अर्जेंट किसी के साथ पेयर बनाने के लिए, तो हाजिर है मेरे भाई, आके ले जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ जो है हमारे भाई के पास डफ मौजूद हैं, नॉर्मल डफ हैं, वाइट टेल। हाँ, ये वाइट टेल डफ हैं सारी की सारी। सही, तो अगर किसी दोस्त को चाहिए तो सारी की सारी ये डफ खत्म कर रहे हैं। कितने पेयर होंगे आपके पास? ये तकरीबन है 15-16 पेयर हैं मेरे पास, 15-16 पेयर हैं। ब्रीडर हैं, ब्रीड पे हैं, सब अंडे बच्चों पे हैं, किसी भाई को चाहिए हो तो। अच्छा, चिक्स वगैरह के साथ भी किसी को लेनी हो तो मिल जाएंगे? ठीक है माशरे, क्या डिमांड है पर पेयर की? कर लेंगे वो कॉन्टेक्ट, जब बंदा करेगा कोई तो मुनासिब ही करेंगे, कोई मसले वाली ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे वगैरह रखे हुए? हाँ, ये सारे बच्चे हैं तकरीबन, रेंज 15 के करीब पेयर हैं। जी जी, ये तकरीबन सारे के सारे जो है ब्रीड पे हैं ना, इनके अंडे भी आए हुए हैं, बच्चे भी हैं। ये देखिए, ये वाइट टेल का पेयर है, लेकिन ये बच्चे जो है ना थोड़े अलग तरह के निकालते हैं, मुझे भी खुद नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है इनके बारे में, ये बच्चे वाइट कलर के निकालते हैं। वाइट बच्चे से निकाले हुए हैं, बाकी कुछ पेयर से माचलते हैं, अंडों पे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ भी देख सकते हैं पेयर अंडों पर हैं। अगर किसी दोस्त को चाहिए पूरा का पूरा सेटअप है 15 पेयर का, तो ले सकते हैं। अच्छा जी, इस साइड पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे जो है इन्होंने कॉलोनी बनाई हुई जावा की, कौन कौन सी जावा लगाई हुई यहाँ पर आपने? इसमें ग्रे जावा है और वाइट जावा है, और जो मेरी ग्रे जावा है वो स्प्लिट वाइट भी हैं और स्प्लिट सिल्वर भी हैं। तो मेरे पास जो कॉलोनी में जो है सिल्वर के भी बच्चे आते हैं। सिल्वर? अच्छा, कितने पेयर आपने लगाए हैं अभी कॉलोनी में? इस कॉलोनी में तकरीबन है कोई 25 पेयर हैं। 25 पेयर माशरे से लगाए हैं, तो ब्रीड वगैरह भी आ रही है आपके पास? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड तो आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलोनी बनी हुई जावा की, तकरीबन वाइट जावा भी हैं, ग्रे जावा भी हैं, सिल्वर जावा भी हैं। तो किसी दोस्त को चाहिए हो तो इनके पास चिक्स वगैरह निकले हुए, सारे चिक्स वगैरह। कितने महीने के होंगे अभी आपके पास चिक्स? तकरीबन 2.5 से 3 महीने के चिक्स इनके पास निकले हुए मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जिनका भी कलर वगैरह फटना शुरू नहीं हुआ, बाकी मटकी में जो है चिक्स वगैरह भी आए हुए, देखिए माशा अल्लाह भी चिक्स मौजूद हैं। बाकी और भी मटकी में देख सकते हैं, यहाँ पे हैचिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, चिक्स वगैरह निकला हुआ इधर। ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं अंडे आए हुए हैं। यहाँ भी माशा अल्लाह बच्चा निकले हुए, तो काफी ज्यादा चिक्स वगैरह और भी निकले हुए होंगे इधर, देख सकते हैं सारी कॉलोनी के अंदर जावा है। तकरीबन कितने बच्चे होंगे अभी आपके पास? काउंटिंग तो मैंने खैर नहीं की है, लेकिन मिल जाएंगे अच्छे खासे बच्चे मिल जाएंगे। अच्छा, अच्छे खासे बच्चे मिल जाएंगे। अगर किसी दोस्त को चाहिए जावा भी, तो जावा भी आपको मिल जाएंगे।
तो गाइस ये था हमसे भाई का सेटअप। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये कि इस तरीके से अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ लिमिटेड बर्ड से स्टार्ट करें, कि कुछ बर्ड्स आप रोक लें, कुछ बर्ड सेल कर लें, तो इसी तरीके ये कि आपके साइड बिजनेस भी चलता रहेगा और आपका सेटअप भी जो है बढ़ता रहेगा। तो हमदा भाई ने भी ऐसे ही किया, कुछ बर्ड से स्टार्ट किया, कुछ बर्ड्स उन्होंने अपने पास रोके, कुछ बर्ड सेल किए और आज मासले 30 के करीब इनके पास पेड़ लगे हुए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कि हमारे अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।